हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ ये नारियल की चटनी, क्योंकि मूंग दाल का डोसा मैं अपनी वीडियो के लिंक में पहले ही डाल चुकी हूँ। तो इस रेसिपी में मैं लाई हूँ आपके लिए ये चटनी, जो बहुत ही साधारण सी है, बहुत ही कम सामान से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए आज इसे देखते हैं कैसे बनाना है। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें जो सामान लगेगा वो है बस ये इतना सा। यहाँ मैंने एक फ्रेश नारियल लिया है, ये पूरा एक नारियल था, दो हरी मिर्ची, पांच कड़ी पत्ता, आधा इंच अदरक और ये कुछ भुने हुए चने हैं जो भुजा वाले होते हैं, ये वो वाले चने हैं। ये मैंने 1/4 कप लिया है। अगर आपके पास ये वाले चने ना हो तो जो घर में दाल बनती है जिस चने की, उस चने को आप हल्का सा तवे पर या कढ़ाई में भून ले बिना तेल या फिर घी कुछ डाले, और उसको भूनने के बाद आधा घंटा गरम पानी में ढक के रख दे, पानी अच्छे से गरम कर ले, पानी बंद करके और उसमें दाल डाले और आधा घंटा उसको अच्छे से ढक के रख दे, तो वो दाल फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी और भुने होने की वजह से उसमें कच्चेपन का टेस्ट भी नहीं आएगा। और यहाँ मैंने थोड़ी सी दही ली है, अगर हमें चटनी ड्राई लगी तो उसमें मैं पानी नहीं थोड़ा सा दही डालूँगी। तो इसको करना ये है कि इसके हम करेंगे थोड़े से छोटे छोटे से टुकड़े और इसको हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। बड़े टुकड़े कई बार ऐसा होता है कि वो पिस नहीं पाते हैं ठीक से, तो इसलिए अच्छे से इनके टुकड़े कर ले। अदरक को भी हम छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। मिर्ची, कड़ी पत्ता और ये दाल, जितने भी आइटम हैं इन सबको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसको हम एक बार अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए पीसने में ये थोड़ा ड्राई हो जाता है, इसलिए मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप दही और इसको हम फिर से एक बार पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चटनी पीस के तैयार है। आप इसको जितना पतला या जितना गाढ़ा रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी या दही कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। इसको अब मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। ये देखिए मेरी गाढ़ी है थोड़ी चटनी, अगर आप पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी या दही कुछ भी मिला लें। और अब इसमें मैं चटनी के अकॉर्डिंग मिलाऊँगी नमक। नमक आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार मिलाएं। मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक मिला रही हूँ। आप अगर लहसुन खाते हैं तो आप इसमें 5-6 कलियाँ लहसुन की भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट चटनी का अच्छा हो जाता है। और कड़ी पत्ता आप इसको तड़के में भी डाल सकते हैं, मैंने इसको चटनी में पीसते वक्त डाला है ताकि इसमें पूरी चटनी में उसका फ्लेवर आ जाए कड़ी पत्ता का। और इस नमक को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही आसान पर बहुत ही टेस्टी लगने वाली ये चटनी है, बहुत ही साधारण सी नारियल की चटनी, जो डोसा, इडली, उत्तपम, अप्पे कुछ भी खाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए झटपट बनने वाली ये चटनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।